इटावा जिले में आयोजित हुआ तहसील समाधान दिवस। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे एडीएम एएसपी अधिकारियों के पहुंचते ही उमड़ी शिकायतकर्ताओं की भीड़। एडीएम और एएसपी ने सुनी सभी की जन समस्याएं। शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। समाधान दिवस में फोन चलाते दिखे अधिकारी। तहसील ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रहे नदारद। भरतना तहसील में फरियादियों की दिखी भीड़। पीड़ित महिला ने भरतना तहसील दिवस में अधिकारियों के आगे सिर रखकर रो रो कर लगाई न्याय की गुहार। 5 वर्षों से महिला की जमीन पर दबंगों का है कब्जा। एडीएम ने टीम गठित कर जांच के दिए आदेश। एडीएम के आदेशों का दिखा असर। शिकायत के 2 घंटे बाद जमीन हुई कब्जा मुक्त। बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नसीदीपुर का है मामला। तहसील दिवस में आज आई कुल 45 शिकायतें। 8 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। अन्य शिकायतों का समाधान करने के लिए पुलिस और राजस्व की 10 टीमें हुई रवाना। समाधान दिवस में सबसे अधिक जमीनी विवाद के आए मामले। एडीएम ने पुराने जमीन के विवादों को जल्द सुलझाने के लिए लेखपालों को दिए आदेश। भरतना तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। लगभग 45 शिकायतें आई हैं, जिसमें से अभी तत्काल 10 टीमें जो हैं पुलिस और राजस्व की भेजी जा रही हैं। बाकी टीमें जो हैं उनसे बताया गया है कि इसका 2 दिन में निस्तारण कर दें, और लगभग 8 प्रकरण का निस्तारण तो मौके पर ही हो गया है, और बाकी जो 10 टीमें जा रही उनको 6 बजे तक का समय दिया गया है कि वो 6 बजे तक निस्तारण कर दें। तो हमारा यही प्रयास है कि मैक्सिमम निस्तारण कर दिया जाएगा, और जो निस्तारण नहीं हो पाएगा उसको अगले 2 से 3 दिन में निस्तारण कराएंगे। इसमें तहसील दिवस में मैक्सिमम शिकायतें तो जमीन से जुड़ी थी, जिसमें जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था, तो उस संबंध में कई ऐसे थे जो न्यायालय में विचाराधीन थे प्रकरण, तो उसका संज्ञान लिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें राशन कार्ड संबंधित थी, तो सभी का अलग अलग क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा रहा है, और लोगों को टीम बनाई गई है, भेजा गया है। साथ साथ हर टीम में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो इसका निस्तारण कराएगा। जो रिपीटेड प्रकरण आ रहे हैं तहसील दिवस में या थाना दिवस में या जन सुनवाई में आते हैं, उन रिपीटेड प्रकरण के संबंध में लेखपाल अपने पास उसका पूरा ब्यौरा रखें, और यह ध्यान रखा जाए कि आवेदक किसी भी तरह से परेशान ना हो। जो भी यहाँ शिकायत करने आए उसकी शिकायत का पूरा ब्यौरा संबंधित लेखपाल पास होना चाहिए, उस पर क्या क्या कार्रवाई की इसका ब्यौरा होना चाहिए, और तात्कालिक जो रिलीफ हम दे सकते हैं आवेदक को, यह उसके लिए बताया गया है।